लो जी, फिर से आ गया मैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सो विथ माय अनदर वीडियो। सो ये वाली ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बाकी आप देख सकते हो आज दोनों ही फेवरेट बाइक है, दोनों बाइक का कंपैरिजन करना ही गलत होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मज़ा ले लिया जाए बाइक का। और बेसब्री से तो पहले से तो मैं कहना चाहूँगा आज अपनी ड्रीम बाइक अगर 200 cc में बाइक करूँ तो मतलब बात करूँ तो ड्यूक 200, वो भी अपनी ड्रीम बाइक आज पॉसिबल हुआ आप लोग के सहारे एंड आप लोग के सपोर्ट से आज लाने को मिल गया मौका। एंड बाकी बहुत अच्छा लगता है जब ये सब बाइक मिलता है। एंड KTM RC 200 अभी इसको भी आज हमने राइड किया, वो R15M के साथ कंपेरिजन किया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड मतलब ब्लॉग नहीं देखा तो अभी मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड दूसरी आप बाकी देख ही सकते हो कि अपना पॉकेट जो है कि ड्यूक 200, तो स्टार्टिंग में कोई हम लोग की जनरेशन की मतलब बॉयज़ की बात कर ले तो ड्यूक से स्टार्टिंग होती है सारी चीज़ अपनी, तो सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरा अगर एक्सपीरियंस बोलो ना तो मेरा सबसे ज़्यादा प्यार है यार इस चीज़ से, मुझे अलग ही एकदम अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है दोनों बाइक से। दोनों बाइक का हर लुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। तो बाकी अगर हेडलैम की बात करें तो आपको LED हेडलैम तो मिल ही जाता है कुछ इस तरीके का, एंड बेटर लगता था KTM RC वाला, बट इसमें भी थोड़ा सा लुक को मैच कर दिया गया। एंड अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइड इंडिकेटर्स के लिए, जैसे और भी बाइक्स था KTM RC वगैरह तो उसमें आपको मिलता था। एंड ये सामने का कुछ इसका पोस्चर। एंड ड्यूक की बात करें तो ड्यूक में भी आपको LED हेडलैम मिल जाएगा, जो कि ये वाला हेडलैम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। साथ साथ आपको इंडिकेटर्स आपको ये पे मिल जाएगा और भी ज़्यादा लुक को मतलब मैच करती है बाइक दोनों, एक बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों तरीके से अगर बाइक देखो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले अगर मीटर की बात करें तो ड्यूक की मीटर ऑन करते हैं। KTM अगर फर्स्ट में से जो भी KTM देखता है वो तो ये वाला मीटर मतलब पसंद होता है सबको। अभी तो LED आ चुका है पूरा, मतलब डिजिटल आया, पर इसमें आपको अलग ही लगता है। इसमें ड्यूक में ये चीज़ मतलब जस्ट है, यहाँ पे फ्यूल का मिल जाएगा, यहाँ पे हीटिंग का, एंड यहाँ पे आपको टाइमिंग का, एंड यहाँ पे कितनी चली है बाइक, यहाँ पे RPM का। एंड हमेशा से यही वाला मीटर सबको पसंद था बेसक से, मुझे भी। एंड यहाँ पे ABS वगैरह सब कुछ दिखाता है, यहाँ पे ये आपको न्यूट्रल वगैरह का, ये साइड इंडिकेटर्स ये सब मिल जाएगा आपको इस बाइक में, एंड बहुत ही अच्छा लगता है, लुक को मैच करता है। एंड चलते हैं उस बाइक पर पहले। अभी दूसरी बात कर ले KTM RC की, तो KTM RC में आपको LED डिस्प्ले मिल ही जाता है, एंड यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स के लिए जैसे कि आपको बताया, एंड यहाँ पे RPM का मिल जाएगा, फ्यूल का, यहाँ पे स्पीडोमीटर, गियर्स ये सब मिलेगा नॉर्मली। एंड बहुत ही अच्छी दोनों बाइक का जो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अलग है, एंड थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड दोनों बाइक मतलब पावर फिगर्स में तो कंपेरिजन करना गलत होगा, पर अभी स्टार्टिंग करते हैं। एंड ये था दोनों बाइक का मीटर पोजिशन। पीछे की बात करें तो पीछे का लुक आपको KTM RC में इस तरीके का देखने को मिलेगा, साथ साथ साइड इंडिकेटर्स जो है सेम ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा होता है। एंड पीछे अगर ड्यूक की बात करें तो ड्यूक में ही है वाला भाई, पीछे देखो खतरनाक लगती है साइड इंडिकेटर्स के साथ, पूरा डेविल लुक आता है भाई इस बाइक में। मैं ड्यूक को क्यों इतना पसंद करता हूँ पता है, इसीलिए। तो अभी चलते हैं फटाफट, राइड करते हैं दोनों बाइक एंड सारी चीज़ आपको बताते हैं। फाइनली कि आप लोग की डिमांड के बाद आ चुके हैं हम अभी ड्यूक पे, एंड अपने पॉकेट वॉकेट को बताते, अपनी नहीं कहना चलेगा, लेकिन ड्यूक ऑल टाइम फेवरेट है मेरी, तो सेफ्टी से राइड करेंगे समझेंगे। इस एडलेंस इस मीटर से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ड्यूक एकदम क्विक अलग ही लगता है। आप अगर R15M को बीट कर सकते हैं ना, वो कौन सा बाइक है बताए, ये ड्यूक 200 भाई, मेरी आज समझ लो खुशी इतनी आ रही है कि इसी चीज़ के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा इस बाइक पर। अभी भगाता हूँ उसको जल्दी से, चलो टाइम टू भगाने का। अपना एक्सपीरियंस गया R15M और ये सब तो बहुत लगा लिया, ड्यूक जब हाथ में आती है तो अलग ही लेवल का मजा होता है, अलग ही लेवल का इंजॉय फील होता है, अलग ही लेवल का एनर्जी से आ जाते हैं मुझे। अभी खाली रोड आ रहा है, फिर भगाता हूँ बाइक को, दिखाता हूँ सारी चीज़ आपको ड्यूक को, इसलिए मैंने फर्स्ट चॉइस किया कि मैं ड्यूक भगाता हूँ पहले भाई। ड्यूक ये देखो, अभी यहाँ से नुमाली बाइक ये भगाता हूँ, ये देखो मतलब
मैं क्या ही बताऊँ, ड्यूक में लीन इन करने के से हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट लगता है मुझे, मतलब क्या बताऊँ। अगर कोई बाइक बीट कर सकता है और सारी बाइक को 200 सीसी में, तो वो है KTM ड्यूक 200 बेसब्री से। एंड इधर खाली रोड होता है तभी हम लोग आते राइड के, हम लोग जो ट्राई करते हैं हम लोग बिल्कुल ना करें, बहुत ही मेहनत के बाद एंड बहुत ही सारी चीज़ के बाद ये सब पता चलता है। चलते एनर्जी आता है इस बाइक पे यार, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस, अलग ही लेवल का, एक नंबर एक्सपीरियंस। तो हम लोग जो शूट करते हैं खाली लोकेशन पे आते हैं तभी हम लोग शूट करते हैं, राइड का मजा लेते हैं सेफली। बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप नहीं करना है अपने को, क्योंकि नॉर्मली राइड करने से बहुत ही अच्छा होता है। हाँ थोड़ा बहुत भगा लेते, इस टाइम देखो अपना भी केयर करना पड़ता है सबका भी, तो थोड़ा सा टाइम को कम। करके क्योंकि इससे पहले भी मैं ड्यूक राइड किया हूँ ना, तो आदत सी हो गई इस बाइक को राइड कर, आई लव दिस मैन, इसलिए इतना ज़्यादा खुशी फील होता है मैं इस बाइक को राइड करके। एक अलग ही लेवल का एक्सपेक्टेशन मिलता है इस बाइक को राइड करके। ड्यूक मैं क्यों बताता, हर ब्लॉग में मैं बताता हूँ, ड्यूक से एक अलग ही ज़्यादा लेवल का प्यार है। ड्यूक की जो पावर थी जैसे इतनी ज़्यादा हाई है, लुक भी मेनटेन करती है, अगर सारी बाइक को खा जाती है भाई 200 सेंटीमीटर ऐसे, आप जब उसका ढेर है तो खा जाती है भाई। तो फाइनली आज इसको राइड कर लिया, इसके बाद KTM RC को राइड करते हैं, बहुत ही मज़ा आया। एंड अभी उस बाइक पे चलते हैं, फिर उसका मज़ा लेते हैं। तो ड्यूक के बाद आ चुके हम आरसी में थोड़ा सा वेट फील हो रहा है, बट ड्यूक में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड आरसी थोड़ा सा झुक के चलाना पड़ता है, तो हाथ वाथ पे थोड़ा सा दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, बट थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। इसका ही अलग ही फंदा है भाई, बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसका मीटर जो डिजिटल कर दिया गया ना, और भी अच्छी लग रही है, उस मीटर पर भी अच्छी लगती है, लेकिन इस मीटर पर भी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पर है थोड़ा सा खाली, अगर बात वगैरह का उसका आरसी का थोड़ा सा अलग है। आरसी में थोड़ा सा हालांकि मतलब वाइब्रेशन फील होता है, बट इसमें फील नहीं होता है, मतलब आरसी में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, बट मैंने ड्यूक भगाया, ड्यूक में वाइब्रेशन इतना आपको फील नहीं होने वाली है साथ साथ। एंड बहुत ही अच्छा लगता है ना, वैसे दो बाइक के साथ कंपेरिजन करना गलत है, जो कि दोनों ही KTM ब्रांड की है, पर दोनों बाइक का मजा लेना चाहता था एंड देखना चाहता था कैसा क्या चीज़ है। एंड KTM के इंजन तो हमेशा से एक नंबर होती है भाई, मार्केट कितने ज़्यादा चल रही है। मज़ा इससे ज़्यादा और क्या ही सोचना अपने को, अलग ही लेवल का एक्सपेक्ट इस बाइक पे। ऐसा इधर से घुमा लेते हैं अलग लोकेशन पे, इधर खाली रोड होता है इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंट के साथ
मिलता है ड्यू ड्यू एंड आरसी, जब दो मेरे हाथ में फंस जाता है ना, तो इतना ज़्यादा पावर के साथ इतना ज़्यादा बाइक को डिलीवर कर सकते हो जो और कोई बाइक में डिलीवर नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब खतरनाक है। लोकेशन भी बहुत ही अच्छी है, हम लोग खाली रोड पर आते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, और जो हम लोग ट्राई करते हो आप लोग ना करो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। हम लोग खाली रोड पर आकर सब ट्राई करते हैं। दोनों बाइक को जब बीट करता हूँ ना मैं, मतलब खींचता हूँ जब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, तो एक अलग ही होता है। एंड यहाँ से हम बाइक पर घुमा लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना। तो अभी दोनों बाइक को राइड किया, बहुत ही अच्छा लगा। उसका पिकअप लेवल बहुत ही थोड़ा सा अलग लगा मुझे, इसमें जब थोड़ा सा उस टाइप का खींचते हो इतनी बड़ी बाइक में तो वाइब्रेशन फील होता है, बट उसमें ऐसा नहीं होता है। उसका उसमें थोड़ा सा कम्फर्टेबल ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको जब भी बाइक में बैठो आपके पास में आपको हैंडल मिल जाता है, थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील होता है, आपको थोड़ा सा मतलब खुद को चलाना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये मतलब कम्फर्टेबल फील होता है। बट ऐसा नहीं, दोनों बाइक का लेवल अलग है, दोनों बाइक में मुझे खास कर चीज़ अलग है। मतलब बताओ तुम्हारा भाई की तकलीफ करते हैं, अच्छी लगी है तो जल्दी ड्राइव करते हैं, या मुझे फिर इसकी मेहनत करने का क्या ही फायदा। दोनों भाई भगाया, अच्छा लगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो जल्द तक लाइक कर देना, मेरे पास नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।